हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स। कल हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बेसिक्स चीज़ें जानी थी। अब एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो रिसेंट जो पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर उनको एनालाइज किया जाए तो एक फेवरेट टॉपिक रहा है, और ये काफ़ी जो टॉपिक है ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहा है। जैसे 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 टाइम इवेल्यूएशन होता है, नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मार्केट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं, वैसे वैसे जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होता है, वो भी उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होता रहता है। अब आज क्या है, आज की डेट में मोस्ट प्रोबेबली हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो आगे ग्रो करे, है ना। मतलब लोकल बिजनेस से वो नेशनल पर जाए और नेशनल से वो इंटरनेशनल पर जाए। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस लेकर के तो चले जाएंगे, लेकिन वो जाएगा कैसे, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड कई बार जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज इसी ही का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक टॉपिक और भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो सोचो इनको अलग अलग ना करके एक ही जगह पर इनको कंक्लूड कर दिया जाए तो आसान हो रहेगा। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबका हार्दिक स्वागत है, सभी का हार्दिक स्वागत है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और आपके कॉर्नर में अपर राइट हैंड साइड पर जो आई कॉन है ना, आई कार्ड जो बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको आई टैग जिसको हम बोल देते हैं, वहाँ पर भी आपको वो वीडियोस का लिंक जो है मिल जाएगा। साथ साथ में जो बिजनेस स्टडीज़ का सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है, ये आखिरी जो है, आखिरी एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिट है, इसके आगे भी हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना बिजनेस स्टडीज़ की, उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में इसी के साथ अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, कब आई, क्यों होने दी, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया, किसने उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें रहेंगी, तो अगर अपन ध्यान से इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो अपने लिए ईजी रहेगा, है ना। और बाकी एक चीज़ और भी है कि आप लोग साथ साथ में ना नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हमारी जो थ्योरी आती है वो आती है मर्सेंटाइल थ्योरी। अब मर्सेंटाइलिज्म थ्योरी क्या होती है, ये बेसिकली 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक चला करती थी। इसमें जो हमारी मेटल करेंसीज हैं उसके साथ एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, ये एक आर्थिक प्रणाली थी, प्रमुख मुख्य आर्थिक प्रणाली थी, डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। ये बेसिकली किस पर डिपेंडेंट थी, किस पर बेस्ड थी, कि आपका जो एक्सपोर्ट है आपको उसे बढ़ाना है। ठीक है, आपको अपना निर्यात जो है उसको बढ़ाना है, और जो आयात है माने इम्पोर्ट है उसको क्या करना है, कम करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस वेल्थ एंड पावर इस चीज़ का ध्यान में रखना है। पहले होता भी यही था, प्रयास ये किया जाता था कि सारी चीज़ें हम क्या करें, हम केवल और केवल एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट चीज़ों को कम करें, है ना। और ये 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी और उसके बाद भी भारत में ट्रेंडिंग में रहा। ठीक है,
भारत बाद में चीज़ों को इंपोर्ट करने लगा, ठीक है, लेकिन उसने प्रयास यही किया कि 1947 तक, बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होने लगीं, लेकिन प्रयास यही रहा कि इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब जो इसको वाणिज्यवाद अवधि कहा जाता है ना, जो मर्सेंटालिज्म पीरियड था उसमें गोल्ड, सिल्वर और जो अदर प्रीशियस मेटल हुआ करते थे, दे आर द ओनली मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन, राष्ट्रों के बीच में गोल्ड, सिल्वर या बाकी के जो दूसरे मूल्यवान धातुएं हैं उन्हीं के साथ व्यापार किया जाता था। अब क्योंकि इसकी जो नेचर थी वो नेशनलिस्टिक थी, नेशनलिस्टिक माने, नेशनलिस्टिक माने यहां पर हम जो बात कर रहे हैं एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, तो जो नेशनलिस्टिक हमारा पैटर्न था या नेचर था उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि हमें राष्ट्र के बारे में ज्यादा सोचना है। अब राष्ट्र के बारे में हम कब सोचेंगे? जब हमारे यहाँ पर जैसे भारत है, भारत में होने वाला जितना भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन है, आप जब उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे हैवी जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उससे बचा करके रखेंगे, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा ना। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि उस समय जो वहाँ की लोकल रिसोर्सेज हुआ करती थी या जो मार्केट हुआ करती थी उनको प्रोटेक्ट किया जाता था उस समय की आर्मी के, मिलिट्री के द्वारा, ठीक है ना, उनको सैन्य शक्ति का उपयोग किया जाता था ताकि उनको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। बाद में धीरे धीरे जो मर्सेंटलाइज थ्योरी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया फ्री ट्रेड इकोनॉमिक थ्योरी में इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। तो मर्सेंटलाइज थ्योरी में आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं, दो तीन चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है कि किनके बीच में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि मेटल्स में जो ट्रेड किया जाता था वो किस थ्योरी में किया जाता था, तो मर्सेंटलाइज्म थ्योरी में किया जाता था, या जो लोकल मार्केट्स थी दे आर सिक्योर्ड बाय द मिलिट्री फोर्सेस, तो किस थ्योरी का पार्ट है, तो मर्सेंटलाइज्म थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। या मर्सेंटलाइज्म थ्योरी कब से कब तक, किस पीरियड के बीच में मानी जाती है, तो 16th टू 18th सेंचुरी के बीच में इसको माना जाता है। एक आया हमारे पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, इसे एडम स्मिथ ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने एड्रेस करते हुए किसको एड्रेस करते हुए, वीकनेस ऑफ मर्सेंटालिज्म थ्योरी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मर्सेंटालिज्म थ्योरी की वीकनेस को ध्यान में रखते हुए कौन सी थ्योरी को जो है लेकर के आया गया, एक्सिस्टेंस में कौन सी थ्योरी है ये, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली एडम स्मिथ ने फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात करी है जो कि कम्प्लीटली इग्नोर था, किसमें, मर्सेंटालिज्म में, क्योंकि वहाँ पर कर लगाया जाता था, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, इसमें ये माना जाता था कि आपको किसी भी चीज़ का लाभ तब मिलेगा, है ना, आपको किसी भी चीज़ का लाभ तब मिलेगा, कब मिलेगा, जब, यहाँ पर देखिए, वेन अ प्रोड्यूसर कैन प्रोवाइड अ गुड और सर्विस इन ग्रेटर क्वांटिटी फॉर द सेम कॉस्ट और द सेम क्वांटिटी एट अ लोअर कॉस्ट देन इट्स कॉम्पिटिटर बाय स्पेशलाइजेशन। माने
डिवीजन ऑफ लेबर ट्रेड प्रोड्यूसर विद डिफरेंट एब्सोल्यूट एडवांटेजेस। मतलब ये है कि किसी भी कोई भी निर्माता उसको पूर्ण लाभ तब होगा जब वो अधिक मात्रा में एक अच्छी सेवा वस्तु या सेवा को प्रदान करेगा कम लागत पर, ठीक है, अपने स्पर्धियों माने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में। उदाहरण के तौर पर सीधा सीधा सा मान करके चलिए, बहुत आसान है इसे समझना, ए और बी दो फर्म हैं। अब जो फर्म ए है वो गुड्स प्रोवाइड करती है एट अ लोअर कॉस्ट, सेम गुड्स, जबकि जो बी फर्म है उसके पास लेबर भी है, स्पेशलाइजेशन भी है, सारी उसके पास है, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट क्या है, बढ़ रही है, और इसकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली उससे कम है, और ये आसानी से प्रोडक्ट को क्या करा पा रही है, मार्केट में अवेलेबल करा पा रही है सेम क्वांटिटी। माने ये दो डिब्बे देती है और उसकी कॉस्ट है 50 रुपये, आप समझ में आ रहा है, लेकिन इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और ये भी क्या कर रही है, ये भी दो डिब्बे दे रही है, लेकिन ये 50 में नहीं दे रही है, 40 में दे रही है, आप समझ पा रहे हो, ये एक चीज है। इसमें स्मिथ ऑल्सो इग्नोर द जीरो सम गेम ऑफ मर्सेंटालिज्म। जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि इसमें दोनों को ही, चाहे लेने वाला है चाहे देने वाला है, दोनों को ही क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। रेदर ही एज्यूम्स अ पॉजिटिव सम गेम विच मीन्स इफ टू कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बोथ कैन बी बेनिफिट दोन, ठीक है। इसका मतलब जीरो सम गेम क्या होता है कि एक को बेनिफिट मिलेगा और एक को क्या मिलेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सम गेम क्या होता है कि अगर दो कंट्रीज है तो मैंने दो लोग हैं तो दोनों को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या है कहानी, ये दो लोग हैं। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि इसको 500 रुपये तब मिलेंगे जब ये व्यक्ति 500 रुपये खो देगा। जब तक ये नहीं खोएगा तब तक इसको पैसा नहीं मिलेगा। इसको सीधा सीधा एग्जांपल दिया जा सकता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में यही फिलॉसफी जो है यूज की जाती है, जिसमें कुछ लोग पैसा खोते हैं और कुछ लोगों को वो पैसा मिल जाता है। तो जब एक व्यक्ति लॉस में जाता है तब दूसरा व्यक्ति कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट में जाता है। पॉजिटिव सम गेम में क्या होता है कि दोनों ही जो लोग हैं वो पॉजिटिव में जा रहे हैं, दोनों ही लोग क्या हैं वो पॉजिटिव में जा रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात, दोनों को ही कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। क्लियर है ये वाली बात। अब जब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदान करने के रूप में। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी, फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत इसको किया जाता है। सेम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराना इन द सेम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी में कम कॉस्ट में, ठीक है। तीसरा क्या है कि इन्होंने जीरो सम गेम जो है उसको इग्नोर किया है, और जबकि पॉजिटिव सम गेम को इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा महत्व दिया है, और इंटरनेशनल की सारे जो मार्केट हैं वो बेनिफिट, जो दो नेशन के बीच में व्यापार हो रहा है वो बेनिफिट ले सकें, और इसमें इम्पोर्टेंट का जो रोल है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। इसके बाद आता है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। पीछे हमने जो पढ़ा था वो एब्सोल्यूट था, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपैरेटिव है। इसको एडम स्मिथ का क्रिटिसाइज थ्योरी भी कहा जाता है, इसे डेविड रिकार्डो ने दिया था, ठीक है। इन्होंने केवल ये कहा कि नो ट्रेड इफ टू नेशन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज इक्वल, अगर दोनों का सेम कॉस्ट एडवांटेज होगा तो फिर वो बेनिफिशियरी कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा अ नेशन शुड स्पेशलाइज इट्स प्रोडक्शन ऑन द प्रोडक्ट इन विच ही गेट्स कंपैरेटिवली मोर एडवांटेज, और इन केस ऑफ लेस डिसएडवांटेज शुड चूज द प्रोडक्ट हैविंग लेस एडवांटेज। मैंने मुझे उस चीज़ का प्रोडक्शन करना है जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, या उस चीज़ का प्रोडक्शन मुझे करना है जिसमें सबसे कम डिसएडवांटेज होगा, आप समझ रहे हो, ताकि मैं अपनी जो रिसोर्सेज हैं या अपना जो एडवांटेज है उस प्रोडक्ट का जो एडवांटेज है वो मैं ज़्यादा उठा सकूँ। क्लियर है ये वाली बात। तो जिसमें कम डिसएडवांटेज होगा और जिसमें ज़्यादा एडवांटेज होगा मुझे वो प्रोडक्ट क्या करना है, कंसिडर करना है किसी भी नेशन को। इसका मतलब क्या है,
कि अगर सभी इस तरह से करेंगे तो वो अपनी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे और मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकेगा। इसके अलावा यही इन्होंने एक बात करी है, जबकि एडम स्मिथ ने जो बात की थी वो ये की थी कि दोनों ही नेशन जो हैं वो बेनिफिशियरी होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि बेनिफिशियरी हो जाओ वो ठीक है, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है ना, और या सबसे कम लॉस हो रहा है ना। बाकी जो प्रिंसिपल हैं जैसे फ्री ट्रेड हो गया, पॉजिटिव सम गेम हो गया, ठीक है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल है। क्लियर है? इसके बाद आता है हैशर्स ऑलिंस फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी, इसको एच ओ मैट मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, एली और ऑलिन प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। ठीक है, इन्होंने रिकार्डो की थ्योरी को आगे और फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने कहा, इन्होंने एक मॉडल बनाया दैट इवेल्युएट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज दैट हैविंग वेरिंग स्पेशली टीज एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इन्होंने कहा कि हमें केवल उन्हीं चीज़ों का, देखो रिकार्डो ने क्या कहा, रिकार्डो ने कहा कि हमें जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज है और जिसमें सबसे कम डिसएडवांटेज है हमें उनको उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। अब जो एली और ओलिन है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई आप केवल उन्हीं ही चीज़ों का प्रोटेक्शन करो जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी स्पेशलिटी है और जिसकी नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। आप समझ में आ गया? तो उन्होंने आगे उसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इंडिया, चाइना, नेपाल, दे आर रिच इन लेबर फैक्टर, ऑब्वियसली वी आर रिच इन लेबर फैक्टर्स, देन दे शुड प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। और ऐसा होता भी है, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, जबकि यूएसए और जापान गए, दे आर द रिच कैपिटल, तो दे शुड प्रोड्यूस बाय द कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। तो इन दिस वे कैपिटल रिच कंट्री शुड इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड लेबर रिच कंट्रीज इम्पोर्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट एज सच इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे भारत में रहते हैं हम, तो हमारे यहाँ तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, तो जो यूएसए है, जापान है, तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और जबकि यूएसए और जापान में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस की जाती हैं, तो हम लोग उनका इम्पोर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति, जो नेशन जिसमें भी ज़्यादा रिच है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, और अगर वो लेबर रिच है तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को, वो ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके और अपने नंबर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सके, बढ़ा सके। इसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, इसे रेमंड वर्नन ने दिया था 1966 में। इसमें इन्होंने चार स्टेजेस बेसिकली दी थी। एक तो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसका इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले इनोवेशन, चाहे लेबर इंटेंसिव हो और चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव हो। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रोथ, तो एकदम से ग्रोथ तो होगा नहीं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और आपको कैपिटल इंटेंसिव में क्या करना पड़ेगा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, जब आपका ग्रोथ होगा तो आपका आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो बढ़ जाएंगे, और जब आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी क्या क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट है ना, वो भी आपको क्या करनी पड़ेंगे, बढ़ानी पड़ेंगे। तीसरा आता है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज क्या होता है, मेच्योरिटी स्टेज बेसिकली ये एक ना कॉन्स्टेंट लेवल होता है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन अपने पीक पर होता है। ठीक है, कुछ आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर घुस जाते हैं, आपका जो एक्सपोर्ट है इंटरनेशनली वो बढ़ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो एक्सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगा, डिक्लाइन होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है, इसको आप ना इस वाले आपने कर्व पढ़ा होगा, ये इस तरह का कोई एक कर्व होता है, तो ये वाला क्या आता है, ये इंट्रोडक्शनरी स्टेज होती है, ये वाली क्या स्टेज होती है, ये ग्रोथ होती है, ये क्या होता है, ये मेच्योरिटी आ जाती है यहाँ पर पीक पर। तो यहाँ पे बहुत सारी जो फर्म है जो यहाँ पर एंटर हुई है ना, इस वाले पॉइंट पे जो एंटर हुई है, वो वाली जो बहुत सारी फर्म्स हैं वो यहाँ से क्या हो जाती हैं, आउट हो जाती हैं, यहाँ से क्या हो जाती हैं, वो आउट हो जाती हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे करके जो एक्सपोर्ट है वो क्या होने लग जाता है, वो डिक्लाइन होने लग जाता है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, कंपटीशन पीक पर पहुंचा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गए, फिर धीरे धीरे करके कुछ फॉर्म्स नुकसान में जाने लगी, जो जिनके पास एक अच्छी कैपिटल है वो मार्केट में बनी रही, और जिनके पास बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल अवेलेबल नहीं है उनको मार्केट से क्या होना पड़ा, बाहर होना पड़ा, क्लियर है? जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया, क्लियर है? तो ये मैच्योर डिक्लाइन स्टेज कहलाती है। तो ये चार स्टेजेस जो है दी गई हैं रेमंड के द्वारा, ठीक है? और ये क्या कहता है, ये बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आपको किस मोमेंट पर क्या करना है, प्राइस क्या रखना है, प्रमोशन कैसे करना है, एक्सपेंड कैसे करना है, कॉस्ट कटिंग कब करना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पर आपको ज़्यादा वेल्थ की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर है ये वाली बात? जैसे टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में एक वाइड स्कोप था, ठीक है? धीरे धीरे करके कंपनीज उसमें ऐड ऑन होने लगी, उसमें जियो भी घुसा। अब जियो जब घुसा तो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो गया। अब जब जियो घुसा तो जियो के पास इतना कैपिटल है कि वो सस्टेन कर सकता है, ठीक है? एयरटेल के पास इतना कैपिटल है कि वो सस्टेन कर सकता है। तो बहुत सारी जो कंपनी थी, जैसे डोकोमो हो गया या और भी बाकी जो कंपनी थी, है ना, वो क्या हो गई, वो कंपटीशन से आउट होने लगी, और जो सस्टेन कर सकती थी वो मार्केट में टिकी रही, और कुछ कंपनीज क्या हो गई, वो मर्ज हो गई, जैसे वोडाफोन और आइडिया। तो अभी क्या है, तीन मेजर कंपनी बची हुई है। तो ये होता है, ये बेसिकली चार स्टेज है। इसके बाद आता है नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी। इसको मिशेल पोर्टर 1990 ने दिया था, ठीक है? इसका इसमें क्या किया गया है, अ नेशन सक्सीड इन इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है? कि कोई भी राष्ट्र इंटरनेशनल कंपटीशन में कैसे सक्सीड कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 इंडस्ट्री, 10 कंट्रीज में, 10 देशों में 100 इंडस्ट्रीज पर इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, और उसके आधार पर इन्होंने चार फैक्टर जो है आइडेंटिफाई किए, जिनको इन्होंने पोर्टर्स डायमंड के नाम से जाना। अब देखो चार फैक्टर यहाँ पर भी हैं, ठीक है? लेकिन ये क्या है, ये स्टेज है। यहाँ पर क्या है, या फैक्टर है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में सक्सीड कैसे हो सकते हो, वो भी यही बता रहे हैं, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, ठीक है? लेकिन वो स्टेज है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायमंड स्पॉटर में फैक्टर्स हैं। तो एक तो डिमांड कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि आपके मार्केट के, आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो उसमें आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी डोमेस्टिक मार्केट हो, द मोर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टिंग में बी अटेंड। क्या आप अगर अपना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखोगे, ठीक है? हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक अच्छा इकोनॉमिक वैल्यूड और गुड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट उसको अवेलेबल हो। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपने उसको इकोनॉमिक लेवल पर कॉस्ट रखा हुआ है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली रेज होना स्वाभाविक है। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरा आता है फैक्टर एंडोमेंट। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके पास भी बेटर प्रोडक्शन फैक्टर्स होंगे, जो भी अपनी रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रह सकता है। क्लियर है ये वाली कहानी, ठीक है ना? इसमें आप एप्पल यूज कर सकते हो। एप्पल का मोबाइल फोन कॉस्टली होते हुए भी उसका मार्केट में बहुत अच्छा शेयर है इंडिया में, खास तौर से रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, जैसे स्कूल्स आर सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर यूनिवर्सिटीज, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं वहां से भी आपके प्रोडक्ट को एडवांटेज मिल सकता है। इसके बाद आता है फर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और आपका रिवाइवलरी क्या होगा। इसका मतलब ये है कि फर्म की रणनीति जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, आप अपने कंपटीशन को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, बीट कर पाओगे। मैंने आपको अपना कंपटीशन बीट करने के लिए एक अच्छा रणनीतिज्ञकार होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये क्या है, ये नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी है। इसके बाद आता है न्यू ट्रेड थ्योरी जो 1970 अब चली रही है। इसे पॉल क्रुगमन ने दिया था 1970 के बाद। उन्होंने ये कहा था
कि अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल की बात करी है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करी है, तो अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल और फर्स्ट मूवर एडवांटेज में कौन सी थ्योरी का पार्ट है, तो वो न्यू ट्रेड थ्योरी का पार्ट है। इसमें एसेंशियल फैक्टर ऑफ सक्सेस इज़ द इंटरनेशनल मार्केट, माने आपको क्या करना है, आपको एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना है, दूसरा है क्या है, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी टू स्केल, ठीक है, जो आपकी अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं हैं, माने किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लेवल पर लेकर के जा सकते हो, बढ़ा सकते हो। उन्होंने कहा देयर इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी टू हैव फैक्टर इंडोमेंट, कि अगर आपके पास बहुत अच्छे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे आप तभी इंटरनेशनल मार्केट में घुस सकते हो वरना नहीं। और स्ट्रक्चर्स टू हैव इंटरनेशनल ट्रेड इट मे ऑक्योर विदाउट इट, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये ना हो लेकिन फिर भी आप उसके अंदर एंटर करे बैठे हुए हो, बट हैविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेकिन आप प्रोडक्शन जो है आप इस प्रकार से करते हो, ठीक है, व्हेन अ नेशन स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप किसी भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, आप ऑटोमेटिकली एक जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको गेन कर लेते हो और आप उसी ही क्षेत्र में क्या बन जाते हो, स्ट्रॉन्गर बन जाते हो और फिर आप एक्सपोर्ट करने लग जाते हो, ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। इसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ, आप एक कंटेंट राइटर हो, अब आपके पास कई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे नॉलेज के अलावा, बताओ होंगे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे भी कंटेंट राइटर। अब कंटेंट राइटर के लिए क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना जरूरी है, आपने एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया जैसे फ्रीलांसर्स की वेबसाइट है, वहां पर आपको ट्रेड मिलता है कि भाई हमको ये इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखवाना है और इतना हम डॉलर आपको देंगे, तो आपने वो ट्रेड लिया, आपने अपना प्रोडक्शन किया, आपने आर्टिकल लिखा और वहां पर उसको दे दिया, एक्सपोर्ट कर दिया अपनी सर्विस को। अब मुझे एक बात बताओ, आपने किस चीज़, क्या आपके पास बहुत अच्छे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को कर पा रहे हो। मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, मैं केवल नेशनली नहीं, मैं इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों का कॉमर्स पढ़ाने लग जाऊं, तो क्या मेरे पास कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा, इज इट क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी सर्विसेज क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो न्यू ट्रेड थ्योरी है उसमें के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है, कहा गया है कि भाई आपको इंटरनेशनल मार्केट में घुसने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, तो आप तब भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर घुस सकते हैं। तो ये सात थ्योरी हैं हमारे पास, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। एक तो मर्सेंटालिज्म थ्योरी, जिसमें हम सिल्वर गोल्ड वगैरह में वो क्या करते थे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जिसमें दोनों ही नेशंस जो है इक्वल एडवांटेज मिला करता था। इसके बाद कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जिसको एडम स्मिथ का क्रिटिसिज्म कहा गया, डेविड रिकार्डो ने इसको दिया था, जिसमें यह कहा गया कि आप जिस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं या जिस चीज में आपको ज्यादा एडवांटेज मिलता है और कम डिसएडवांटेज मिलता है उसका आप प्रोडक्शन कीजिए। इसको आगे जो हैक्शर्स एली और ऑलिन है, इन्होंने आगे और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई सीधा सीधा सुनो, आपके पास जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है, केवल आप उसी काम को करो। इसके बाद इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आ गया, जिसके अंदर उन्होंने फोर स्टेजेस दी कि भाई एक तो पहले आप किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो, फिर उसको ग्रोथ करो, फिर धीरे धीरे वहाँ पर मेच्योरिटी लेवल आएगा, बहुत सारे लोग उसके अंदर घुस जाएंगे, फिर वहाँ पर कॉम्पिटिशन हाइएस्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपको लॉस होने लगेगा और आप या बहुत सारी जो फर्म है वो मार्केट से बाहर होने लग जाएंगी। इसके बाद आया नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी, जहाँ पर 100 इंडस्ट्रीज 10 देशों में रिसर्च किया गया और उन्होंने कहा एक तो डिमांड कंडीशन, एक फैक्टर इंडोमेंट, एक रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री और एक फॉर्म स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी और रिवाइवलरी के बारे में बात करी। फिर आया न्यू ट्रेड पॉलिसी, जिन्होंने ये कहा कि भाई आपको फैक्टर इंडोमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास बेस्ट स्किल्स हैं, अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो भी आप मार्केट में घुस सकते हो। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिस्कस ट्रेड बैरियर्स के, ठीक है। तो अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई भी कंट्री अपने नेशन के जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है कि भाई इंटरनेशनल प्रेशर इतना ना पड़ जाए कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो वायलेट होना शुरू हो जाए।
तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ बैरियर्स लगा देते हैं। अब इसमें दो तरह के बैरियर्स होते हैं, एक तो होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। जो भी टैक्स माने कर से संबंधित बैरियर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है टैरिफ बैरियर्स, और जो भी कर से संबंधित या कर से अलग जितने भी या टैक्स एक्सेप्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम से अलग जितने भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उनको कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर। सीधी सीधी भाषा ये है। अगर पैसे के आधार पर देखो, बहुत आसान है, अगर किसी के भी बेसिस पर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है वो क्या है टैरिफ बैरियर, और अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो है नॉन टैरिफ बैरियर। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, वॉलेंट्री स्वैच्छिक एक्सपोर्ट निर्यात और रिस्ट्रेंट्स प्रतिबंध। इसमें क्या है, इसमें जो राष्ट्र है वो सीमित कर देता है कि भाई आप इतना एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हो, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि भाई निर्यात की मात्रा को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो वो क्या करता है, वो उसकी जो है उस पर लगने वाला जो टैक्स है ना, जो उस पर लगने वाली ड्यूटी है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो जब वो उसको इंक्रीज करेगा कि भाई अगर देखो मैं 1,000 डिब्बे भारत से बाहर बेच सकता हूँ, बस मान के चलो, तो 1,000 के ऊपर जितने भी डिब्बे भारत से बाहर जाएंगे उस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये एक कहानी होती है। इसके बाद होता है रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स। रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये सरकार इंट्रोड्यूस करती है ना। जैसे इसमें किन किन चीज़ों को शामिल वो कर लेती है, एक तो प्रोडक्ट को, उसकी सेफ्टी को, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को। ठीक है ना, जैसे देर आर सेफ्टी रेटिंग्स फॉर व्हीकल्स विच नीड टू बी पास्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द इम्पोर्टिंग कंट्री। ठीक है ना, ताकि उनका एक स्टैंडर्ड जो है वो बना रहे। तो इसलिए भी कुछ जो फर्म्स हैं वो केवल केवल लोकल में रह जाती हैं, वो आगे ग्रो नहीं करती, या कह लो कि वो एक्सपोर्ट नहीं करती। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या क्या होता है, देखो जैसे इंडिया है, इंडिया में कुछ चीज़ों को ना आपने प्रोड्यूस करा, ठीक है, अब जब आपने प्रोड्यूस करा तो आपने उसकी जो कॉस्ट है आप उससे कम पर जो है वो एक्सपोर्ट करने लग गए, उसको बेचने लग गए। तो ऐसे में जो इम्पोर्टर्स कंट्री होती है, जो जिसमें माल आ रहा है, जिसमें माल बेचा जा रहा है, वो क्या करती है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से क्या होगा कि जितना कॉस्ट आपने कम करा उतना कॉस्ट आपका बढ़ गया, कुल मिलाकर के आपका प्रोडक्ट वही कॉस्टली हो गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है या लोग कम खरीदते हैं। तो ये एक चीज़ है। एक होता है सब्सिडी। जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है कल वाली क्लास में, तो कुछ एक्सपोर्ट को इनक्रीज करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करा देती है ना, कुछ बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करा देती है। तो ऐसा ही इसमें होता है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। अब ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट होगा तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ये भी एक कारण है। अभी हमने पढ़ा था ना वो चार स्टेजेस जो होती हैं, टैरिफ्स मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें वॉलरम टैक्स शामिल होता है, स्पेसिफिक टैक्स शामिल होते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक होता है कोटा। कोटा का मतलब क्या होता है कि भाई आपने क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया दैट कैन बी इम्पोर्टेड इन टू अ कंट्री। ठीक है ना, कि भाई इससे ज़्यादा भारत के, जैसे मैंने कह दिया कि इससे ज़्यादा यूनिट भारत में नहीं आएंगी। अभी आप कहोगे कि सर इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया हमारा वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सपोर्ट कंट्री के द्वारा किया जाता है, और कोटा जो है वो इम्पोर्ट कंट्री के द्वारा, दोनों क्वान्टिटी बेस्ड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैरियर्स हैं, तो टैरिफ बैरियर्स हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो टैरिफ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ हो सकता है, ट्रांसिट टैरिफ हो सकता है। नॉन टैरिफ में क्या है, कोटा हो गया, सब्सिडी हो गई, इसके अलावा लोकल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग हो सकती है, कंट्रोल ऑफ करेंसी हो सकता है, ठीक है, डिले इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सकता है, और एम्बार्गोज हो सकता है। एम्बार्गोज क्या होता है कि जब आप किसी भी दूसरे
कि इसमें सरकार क्या करती है, सरकार आदेश जारी कर देती है ऑफिशियली, ऑफिशियली बैन कि भाई आप इससे इस देश के साथ व्यापार नहीं करोगे। क्लियर है? तो ये जो चीज़ें हैं ये आज हम लोगों का डिस्कशन का पार्ट था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत, क्वेरी, समस्या, समाधान आपको कोई चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना आप दी हुई जो मेल एड्रेस है वहाँ पर भी हमें लिख सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इसको आपने क्या आज कुछ नया सीखा, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो कॉल एक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ यार इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आप लोगों, अब आप सोचो इतना सारा कुछ एक्सप्लेन होता है, इतना सारा कुछ आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसमें एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन ना हमारी भी होती है कि यार हमारा जो फैमिली है वो थोड़ा सा ग्रो करे, है ना, ज़्यादा मेंबर्स जुड़ें, ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि ज़्यादा लोगों को एडवांटेज हो सके। और देखो मैं सिंगल सोर्स सिस्टम हूँ, मैं अकेला कहाँ तक कितना किसी भी चीज़ को एक्सपेंड कर सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या है कि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप लोग क्या हैं, आप एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ, कहते हैं ना कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। तो अगर आप सब अभी अपने 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 जो लोग हैं ना या ग्रुप्स हैं, अगर वहाँ पर भी आप लोग शेयर कर दो, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। और देखो ये एजुकेशन में हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि चाहे आप दो, चाहे आप उस किसी को उसका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दो कि भाई देखो यहाँ से आप ये चीज़ सीख सकते हो, तो वह बंदा ना लाइफ में जब भी सक्सेसफुल होगा या नहीं भी होगा, या जो भी चीज़ है वो उसकी डेस्टिनी है, वो उसकी मेहनत है, बट उसका जो एक रिवर्स गिफ्ट होता है ना नेचर के द्वारा, वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट होता है ना। ये एक चीज़ है, तो हमेशा ना नॉलेज को शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लर्निंग्स को और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकें। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।